हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम सरवन देवी मंदिर आया हुआ हूँ। रैली से आया हुआ था ड्यूटी से, तो सुबह तो आ नहीं पाया था। और इस टाइम जो है ना, नवदुर्गा का टाइम चल रहा है, तो नवदुर्गा के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहता है। और नवरात्र जब ख़त्म होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो खास कोई भीड़ है नहीं यहाँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरह से पिकनिक स्पॉट टाइप का बन गया है। यहाँ हमारे जो माननीय पुलकित खरे जी हैं, DM मतलब थे वो, तो उन्होंने मतलब हरदोई को काफ़ी विकसित बना दिया था। तो उसमें जो ये सरवन देवी मंदिर है ना, ये भी काफ़ी विकसित कर दिया था। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो सरवन देवी मंदिर है ना, ये हरदोई का पवित्र स्थल में से एक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं वाला है। और ये मान्यता जो है ना, ये मैं आपको पंडित जी से ही सुनूंगा कि क्या क्या मान्यता है, क्योंकि ऐसे मुंह से बताना कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। जो पंडित जी बताएंगे ना स्टोरी, वो उसमें ज़्यादा ही भक्तिभाव रहेगा। तो फिलहाल तो अभी मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर, और वहीं आपको पंडित जी से भी मिलाता हूँ। और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है, प्रहलाद कुंड भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी तो मैं चलता हूँ अंदर मंदिर। यहाँ की जो स्टोरी है ना, वो पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी ही यहाँ पूरी सटीक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते जरूर हैं हरदोई में, बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन कोई सटीक जानकारी हम लोग को नहीं है। जो सटीक जानकारी पंडित जी को है, वो हम लोग को नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को पूरी फुल जानकारी मैं देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या रियल स्टोरी है। तो मैं पंडित जी से ही जानता हूँ कि क्या स्टोरी है यहाँ की। जी पंडित जी, नमस्ते। जय माई। ये स्थान श्रवण देवी के नाम से जाना जाता है। भगवान नारायण का इस जनपद में 2 बार अवतार हुआ है। एक बार नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, दूसरा वामन रूप में राजा बलि को छलकर 3 पग जमीन ली और अपना नाम रोशन किया, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा। हरद्रोही नहीं है, हरदोय। और ये माता सती जी का यहाँ कान गिरा है। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और सती के अलावा 2 और लड़कियाँ थीं, जो लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्माणी जी हैं, ब्रह्मा और नारायण को गए। एक बार दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति होने का वरदान दिया। वरदान पाकर के दक्ष उन्मत्त हो गया और देवसभा में अपना अपमान समझ करके भगवान शंकर का तिरस्कार करने लगा। कणखल हरिद्वार में जाकर उसने अपनी जन्मभूमि में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुला करके भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। अंत में माता सती ने बड़ा आग्रह किया, तब शिवजी ने उन्हें अनुमति दी और जाकर के अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल हो। माँ जब सती जी ने देखा कि ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, उनका यज्ञ का भाग निकला हुआ है, शिव जी की अनुपति में उनका कोई भाग नहीं। अंत में सती जी ने उस यज्ञ कुंड में अपनी देह की आहुति दे दी। और उधर नंदीश्वर आकर के भगवान शिव को बताते हैं कि भगवान माता ने शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान शिव ने अपने अंदर से आंखें मूंद करके देखा कि ऐसी तरसना दी, ऐसा उसने कांड किया, वीर अपनी जटा को तोड़कर जमीन पे पटकी, जिससे वीरभद्र नाम का दैत्य पैदा हुआ। और उसको आदेश दिया कि जाओ कणखल पहुंचो, वहां पे दक्ष जो यज्ञ कर रहा है, उसकी यज्ञ को विध्वंस कर दो, जहां पर देवता हो चाहे राक्षस हो सबको मारो, आके तहस नाश। भगवान शिव ने देखा कि जब जली होंगी तब कितना कष्ट हुआ होगा, और जब जलने के पूर्व माता के आंखों से आंसू गिर गए, जिससे बेलपत्र की उत्पत्ति। इधर
भगवान शिव ने देखा कि यह इतनी दुर्दशा, कितना कष्ट हुआ होगा, तो भगवान के शिव जी की आंखों से आंसू गिर गए, जिससे रुद्राज की यहाँ पे माता जी का कान गिरा है। देवी भागवत में इनका 529वां नाम है और इसी परिसर में प्रहलाद कुंड है जो नारद पुराण में ये दर्शाता है कि होलिका का भस्म होना, प्रहलाद की रक्षा करना और नरसिंह अवतार, ये सब पता जी जी। जय माता दी। पंडित जी ने बहुत अच्छा स्टोरी हम लोगों को सुनाई, मतलब हम लोगों को ये सब कुछ भी नहीं पता था और पंडित जी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय दिया, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन पंडित जी से मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके कारण पंडित जी ने जो है हम लोगों को ये अच्छी खासी स्टोरी सुनाई जो कि हम लोगों को किसी को इतनी खास तरीके से पता नहीं था। तो चलते हैं, यहाँ पे प्रहलाद कुंड भी है, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ 5 देवियाँ हैं। हाँ, मतलब तीनों प्रमुख देवी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब 2 योगिनी, 64 योगिनी हैं, 2 यहाँ मौजूद। अच्छा अच्छा, महाकाली महासरस्वती। दोस्तों जो चलते हैं हम लोग और जगह भी, यहाँ मतलब और जगह भी छोटे छोटे मंदिर है ना, तो वहाँ भी आप लोग को दर्शन करा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव यहाँ रहता है। आप अगर यहाँ हरदोई आओ ना कभी, तो यहाँ दर्शन करके ज़रूर जाओ। शादी होने के बाद बहू को तेल पूजन के लिए यहीं लाया जाता है। कहाँ रहते हो? यहीं खेलने आते हो रोज? अच्छा लगता है यहाँ मंदिर? क्यों अच्छा लगता है? क्या खेलते हो यहाँ? नाचो, क्या खेलते हैं? झूला झूलते हो? अच्छा, रोज शाम को आते हो यहाँ? अच्छा, तो मम्मी तो चली बस में, अब मैं तो जाऊंगा बाइक से, लेकिन जा, बाय 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 बाय। अरे तेरी वाईफाई वाली बस में, वो भी एसी वाली बस में, कंफर्ट वाली, लग्जरी वाली, वो भी मैं बहुत सही, जाओ बाय, हम तो चल रहे हैं, फिर आना मत। कुआं भी है, देखे भाई। अरे सूख गया है। चलते हैं प्रहलाद कुंड की तरफ भी एक नजर मार लेते हैं। नारद पुराणों में उल्लेखित तत्वों के आधार पर इस कुंड का निर्माण हरिद्रोही के राजा हिरण्यकश्यप द्वारा अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसे एक दुशाला के माध्यम से अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, की गोद में बैठकर जलने के लिए किया गया था। ईश्वरीय शक्ति के परिणाम स्वरूप हवा के झोंकों से दुशाला प्रहलाद पर आ गई और होलिका इस कुंड में अग्नि का प्राप्त हुई। शिवदंती है कि उसके बाद से ही संपूर्ण देश में होली के अवसर पर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार हरदोई की इस पावन धरती पर ही हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। यहाँ से निकला हूँ, काफी बार निकला हूँ, लेकिन यहाँ कभी अंदर नहीं आया था और आज जो है ना अवसर मिल चुका है अंदर आने का, क्योंकि नवदुर्गा का टाइम चल रहा है। नवदुर्गा के टाइम पे भाई आना अच्छा होता है, तो हालांकि आना तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम मैं मम्मी के साथ आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ। तो भाई साहब यहाँ तो आके बहुत अच्छा लग रहा, और बच्चे पीछे यार गेम भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जो यहाँ पे ना, यहाँ पानी पहले नीचे से रास्ता था, अब जैसे जैसे
मतलब युग बढ़ता रहता है वैसे वैसे सब मान्यताएं भी खत्म होती रहती हैं। हालांकि ये मान्यताएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो चीज आती रहती है वो चीज खत्म होती रहती है, पुरानी चीजें इतनी नहीं रह जाती। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो हल्का हल्का पानी रस्ता है नीचे से, तो यही सब चीज की स्टोरी है। मैंने मंदिर पूरा दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा भक्ति भाव लगा होगा और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है ना, तो ये भी यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और कुछ गार्डन भी है पीछे काफ़ी, वो भी अच्छा लगता है। आप यहाँ पे आकर समय भी बिता सकते हो आप अपना, तो ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ बनाती है, छोटी छोटी चीज़ ही बहुत अच्छी चीज़ बनाती है। और मुझे भाई यहाँ का प्रहलाद कुंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंदिर तो अच्छा होता ही, मतलब मंदिर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ का बात ही कुछ अलग है। तो आई होप ये मंदिर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।